दंगल में पहलवान की गर्दन टूटने से मचा हड़कंप, आयोजक भागे। कार्यवाही की मांग को लेकर परिजनों ने एसपी से की शिकायत। शिवपुरी जिले के भौंती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उमरी कला गांव में आयोजित दंगल में एक पहलवान की गलत तरीके से दांव लगाने से गर्दन टूट गई। आरोप है कि पहलवान की गर्दन टूटने के बाद दंगल का आयोजन करा रही कमेटी पहलवान को मौके पर छोड़कर भाग गई। बाद में मौके पर पहुंचे परिजनों ने पहलवान को इलाज के लिए शिवपुरी फिर ग्वालियर में भर्ती कराया गया, जहाँ पहलवान की जान तो बच गई लेकिन वह चलने फिरने से लाचार हो गया। इस मामले में दंगल का आयोजन कराने वाली कमेटी और गलत तरीके से दांव लगाने वाले पहलवान के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज एसपी ऑफिस में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़ित पहलवान धर्मा सिंह परिहार निवासी राजगढ़ थाना अमोला के भाई सतीश परिहार ने बताया कि दंगल में पहलवान ब्रजमान जाटव पुत्र वंशी जाटव उम्र 27 वर्षीय निवासी बरेला चौकी कोड जिला शिवपुरी ने जबरदस्त बगैर दंगल नियम का पालन करते हुए पहलवान धर्म सिंह परिहार के गुप्तान पकड़कर गर्दन के बल कस कर जमीन पर पटक दिया गया, जिससे पहलवान धर्म सिंह परिहार की गर्दन टूट गई और उसे गंभीर शारीरिक चोटें आई हैं। पीड़ित ने ब्रजमान जाटव और आयोजक कमेटी पर कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी जगह से आए हो आप? राजगढ़ से। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हो आप एसपी ऑफिस पे? समस्या क्या, मेरे भाई की गर्दन तोड़ी कुश्ती में दुश्मनी के कारण। कौन ने तोड़ दी? ब्रजमान जाटव। अच्छा, कब की घटना है जी? 16 तारीख। क्या हुआ था वहाँ? वहाँ मेरा चल गया था। हाँ, वो मेरे भाई को फोन करके बुलाया। हाँ, मेरा भाई पानी भरा गया था, मैं बाहर रहा। अच्छा, उससे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या आपकी? नहीं, पुरानी का कोई पता नहीं अपने को। अच्छा, तो उसकी गर्दन तोड़ दी। आप कहाँ हैं वो आपका भाई? यहाँ ग्वालियर रेफर कर दिया था। अच्छा, और आप? डॉक्टर जी बोल रहा है कभी जिंदगी में चल नहीं सकता। अच्छा, तो यहाँ एसपी ऑफिस आवेदन देने आए थे, तो क्या किस लिए आवेदन देने आए थे, क्या चाहते हो अब आप? कार्रवाई। तो पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं की थी क्या आपने? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं किया? अब आप क्या चाहते हो, एफआईआर दर्ज कराना चाहते हो?